Audio Jungle. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं यहाँ पे गोभी पराठा बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी रेसिपी भी आपको शूट करके दिखा ही देती हूँ। तो चलिए पहले इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाला है क्योंकि मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। वो जब गर्म हो जाएगा तो उसमें प्याज और हरी मिर्च डालेंगे हम। देन उसे हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा पिंक कलर का हो जाए। देन उसको अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गोभी को पहले से ही धो के और ग्रेट करके रखा है। अगर आप चाहें तो ग्रेटर से ना ग्रेट करके आप गोभी को छोटे टुकड़े में भी काट सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ऐसे ग्रेट कर लेने से क्या होता है ना, वो जल्दी पक जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे ग्रेट करके कच्चा ही बना देते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बट मेरे ख्याल से फ्राई ज़्यादा बेटर होता है, पानी सोख लेता है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा भुनने के बाद मसाले डालेंगे। मसाले में मैंने नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाला है और साथ में गरम मसाला डाला है। मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही हरी मिर्च डाल दी है, और चूँकि बेटा खाता है मैंने पहले ही बोला, इसलिए मैंने मिर्चा थोड़ा कम ही डाला है। और लास्ट में मेरा फेवरेट इन्ग्रीडियंट्स तो जाएगा ही जाएगा, और वो है धनिया पत्ता। तब तक ये स्टफिंग ठंडी होती है तो मैंने सोचा कि पराठे के साथ थोड़ा टमाटर की चटनी भी बना लिया जाए। तो उसके लिए मैंने तेल डाला है और उसके बाद जीरा का फोड़न दिया है। आप इसमें तेजपत्ता और लाल मिर्च भी डाल सकते हो, बट मुझे तीखा नहीं बनाना था तो मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद बस टमाटर डालेंगे और मैं यहाँ पे गुल डाल के बना रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मेरा जो मसाला था, जो स्टफिंग था गोभी का, वो ठंडा करने के लिए मैंने ऐसे स्पून से, सर्दियाँ एक ऐसा सीजन है जिसमें पराठों की मतलब वैरायटी होती है और आपको खाने में भी मज़ा आता है क्योंकि एक तो ठंडी रहती है, ऊपर से गर्मा गर्म पराठे, आहा क्या बात है, मुझे तो बोलते हुए इतना मज़ा आ रहा है। आप लोग भी इस गोभी के पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ आप लोग बार बार इसे बनाए खाना चाहोगे, क्योंकि एक तो आप ग्रेट करके गोभी बनाते हो ना तो फटाफट से फ्राई हो जाता है। मोस्टली 5 से 7 मिनट लगते हैं आपको गोभी पराठा बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि वो तो ग्रेट किया हुआ रहता है। 2 मिनट से 3 मिनट ही बस आपको भूनना है, वो पक जाता है गोभी आराम से। और ठंडी है तो स्टफिंग तुरंत ठंडी भी हो जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी गर्म जो स्टफिंग होती है उसे आटे में मत भरिएगा, क्योंकि गर्म चीज़ें जो होती है वो पानी छोड़ती है और गोभी में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो अगर आप भर के और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रख देते हो कि उसके बाद में गर्मा गर्म बना के खाओगे तो वो पानी छोड़ देगा, शायद आपको बेलने में दिक्कत हो। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद बिलने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आप स्टफिंग को हमेशा कोई भी चीज़ बनाए तो उसे ठंडा करने के बाद ही भरे। और यहाँ पे मैंने आपको कैसे मैं पराठे में या फिर किसी भी चीज़ में स्टफिंग भरती हूँ वो वाली भी ट्रिक दिखाई है। ये मैंने मम्मी से सीखा है और मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, मैं बहुत आसानी से भर लेती हूँ। बहुत लोगों को मैंने देखा है स्ट्रगल करते हुए कि कैसे भरा जाएगा, स्टफिंग फट जाता है, नहीं भरा पाता है, बट मुझसे मतलब थैंक गॉड भरा जाता है। तो होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आप चाहें तो टमाटर की रेसिपी जो मैंने बताई है चटनी की, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गोभी का पराठा तो चटपटा होता ही है और टमाटर की मीठी चटनी, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। आप एक बार ट्राई कीजिए नाश्ते में, आप ज़रूर मुझे याद करेंगे, ये रेसिपी ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। तो होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अभी नाश्ते का टाइम हो चुका है। ये वो गोभी पराठा है जो मैंने अभी बनाया, ये है मीठे टमाटर की चटनी और साथ में मिर्ची के अचार जो कि घर का है, बनाया हुआ मैंने बनाया है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी होता है। तो खाते हैं। तुम नाश्ता कर लिए हो ना, पढ़ाई करो अपना। शाम को पढ़ाई? नहीं अभी पढ़ाई करो, अभी क्या कर रहे हो? पढ़ाई करो, तब से कार्टून देख रहे थे ना। इतनी ठंडी, स्नान करना है अभी तुमको। स्नान कहाँ करने को? जा रही हूँ दादी नानी वाले नुस्खे को आजमाने, क्योंकि बेटा को थोड़ा खांसी और सर्दी हो गया है। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि मेडिसिन देना अवॉइड करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कम हो मेडिसिन उसको मैं दूँ। तो मैंने यहाँ पे सरसों तेल गरम कर दिया है, उसमें थोड़ा सा मैं लहसुन की कुछ कलियाँ और अजवाइन डालूँगी। थोड़ा ये गर्म हो जाएगा फिर थोड़ा ठंडा होगा, उसके बाद उससे इसकी मालिश करेंगे तो आई होप थोड़ा उसको सुकून मिलेगा, क्योंकि लहसुन गर्म होता है।
इसलिए मैंने सोचा कि उसकी मालिश थोड़ा कर देती हूँ पहले, क्योंकि थोड़ा खांस रहा है तो मैं मेडिसिन देना अवॉइड ही करती हूँ। ये देखिए लहसुन पूरी तरीके से अच्छे से जल गया है, पक गया है, और अजवाइन भी। और तेल को मैं एकदम ठंडा कर दूँगी, मतलब एकदम नहीं, हल्का गुनगुना रहेगा, उसके बाद उसकी मालिश करूँगी ताकि थोड़ा गर्माहट मिले और मेरा बच्चा थोड़ा नॉर्मल हो जाए। मैं तो यही सब देसी नुस्खे आजमाती हूँ, दवाई देना मैं अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादातर, जब तक सीरियस नहीं लगता है कि मुझे दवाई देना चाहिए। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद उसे लगाते हैं। बेटे की मालिश तो मैंने कर दी और घर में कुछ सामान आया हुआ था। मुझे पीनट्स और सफ़ेद तिल की चिक्की बनाने का मन था। ठंडियों का सीज़न है, मैं हर साल कुछ ना कुछ ऐसे लड्डू जैसा टाइप कुछ बनाती हूँ, तो इस बार भी मैंने मंगाया था बट बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज टाइम था। मैंने बच्चे की मालिश कर दी है और उसे अच्छे से मैंने ब्लैंकेट के अंदर बोला है कि ढक के रहो, बाहर ना निकलना। उसे थोड़ा खांसी तेज़ी हो गई थी तो मैंने सोचा लगे हाथ आपको इसकी भी रेसिपी आज दिखा ही देती हूँ। एक वीडियो में दो दो रेसिपी बनता है, क्या बोलते हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर लिया है और वैसे ही मैं तिल को भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इन दोनों को बिना किसी तेल के ही रोस्ट करना है। तिल को तो पकने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं और बादाम को पकने में 5 मिनट हार्डली लगते होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लगते हैं। जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, बादाम एकदम गर्म गर्म नहीं है तो हाथ पूरा जलने लगेगा, तो थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा तो उसको ऐसे मसल के और उसका छिलका जो है हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसके बाद गुड़ डालूंगी, इसमें मीठा कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग गुड़ बोलते हैं, उसको डालूंगी और चलाते हुए और मीडियम ताव पे इसे पका लेंगे। मैं सच बोलूँ तो मैंने शादी से पहले कभी भी लड्डू वड्डू ऐसे कुछ बनाया नहीं है, लेकिन हाँ अभी मैं, मतलब मैंने देखा है मम्मी को बनाते हुए तो मैं कर लेती हूँ, बना लेती हूँ, ऐसे कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं लगती है। तो इसको अच्छे से पकाएंगे। ज़्यादातर हम लोग चाशनी इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं रखते हैं क्योंकि फिर वो जब लड्डू पड़ जाता है तो फिर वो टाइट हो जाएगा, इसलिए एक तार की चाशनी इनफ होती है ताकि वो आसानी से टूट जाए, खाने में आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। तो आपको बार बार हाथ में ऐसे लेके देखते रहना है कि एक तार की चाशनी है कि नहीं है। अभी थोड़ी देर और पकाऊंगी, उसके बाद एक तार की चाशनी मेरी रेडी हो जाएगी। उसके बाद सिंपली इसमें मैं डालूंगी जो मेरा रोस्टेड तिल था वो, और अपना जो बादाम था उसको भी मैंने छील के साइड कर लिया है, ठंडा हो गया था, तो इन दोनों को डालूंगी। उसके बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे। उस वक्त आप जो आपका फ्लेम है गैस का उसको लो कर दीजिएगा, बंद मत कीजिएगा, लो करके अच्छे से मिलाइएगा। अगर आप इसका लड्डू बना रही हैं तो सेम प्रोसेस में बनेगा, लेकिन यही है कि गुड़ थोड़ा कम डलेगा इसमें, और ये चिक्की बन रहा है तो गुड़ थोड़ा ज़्यादा रहता है ताकि ये सेट होने में आसानी हो, और लड्डू में थोड़ा कम भी रहेगा मीठा तो चल जाता है। इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी और उसके बाद साथ साथ इसको ठंडा नहीं करना है, साथ साथ तेल लगाएंगे एक प्लेट में, और अच्छे से तेल लगाइएगा, उसमें कोई कंजूसी ना कीजिएगा ताकि निकलने में आपको आसानी हो। आराम से प्लेट में तेल लगाएंगे और उसके बाद ये सारा जो तिल का बैटर है उसको हम प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। मैंने 3 प्लेट में डाला है, ये 3 प्लेट में हुआ था। उसके बाद पीस पीस काट लेंगे और थोड़ी ठंडे होने के बाद ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करूँगी, ब्लॉग नहीं ये रेसिपी वीडियो हो गया, ज़्यादातर मैंने 2 वीडियो इसमें शूट कर दी है, तो मैं इसको और लंबा नहीं करूँगी और यहीं पर एंड करती हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।